हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये बीओडी है और आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि बीओडी का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह करते हैं और बीओडी में क्या इक्विपमेंट लगाया जाता है और इक्विपमेंट का वायरिंग कनेक्शन किस तरह करते हैं और ये बीओडी में जो कि कंप्रेसर और रेडिएटर जो लगा होता है उसका इंस्टॉलेशन बीओडी में किस तरह करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीओडी का इंटरनल है और यहाँ पर देखिए दो तार जो आप देख रहे हो, ये दो तार जो कि हीटर के लिए है और यहाँ पर तीन तार जो देख रहे हो, यानी कि दो रेड एक ब्लैक जो देख रहे हो, इसमें दो एक्सेल फैन इसमें फिट किया जाता है और किस तरह लगाता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बीओडी का पूरा टोटल व्यू दिखा देता हूँ। और नीचे साइड देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्पेस है इसमें कंप्रेसर और रेडिएटर फिट करते हैं और वो कंप्रेसर रेडिएटर चले मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए ये जो कॉपर पाइप जो है, ये जो पाइप आप देख रहे हो, ये पाइप को बेंड करके किस तरह रेडिएटर बनाया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह जो कि पाइप जो है ये बेंड करके, जो कि मैंने आपको दिखा रहा था, देखिए फ्रेंड्स ये जो रेडिएटर है और इसके साथ कंप्रेसर जो फिट होता है और इसके ऊपर देखिए एक जो एक्सेल फैन है और एक्सेल फैन भी इसके ऊपर में लगा होता है और किस तरह लगाते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और देखिए फ्रेंड्स, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो कंप्रेसर और रेडिएटर देखिए किस तरह इसमें ऑलरेडी फिट किया हुआ है, यानी कि देखिए ये जो साइड आप देख रहे हो ये कंप्रेसर है देखिए, और ये राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये रेडिएटर है और देखिए रेडिएटर के साथ एक जो एक्सेल फैन भी इसमें लगा हुआ है। और देखिए मैं आपको कंप्रेसर दिखा देता हूँ। कंप्रेसर में देखिए इसमें जो कि पाइप देखिए, ये एक पाइप जो कि रेडिएटर के साथ लगा हुआ है और देखिए यहाँ पर एक पाइप है और दूसरी पाइप देखिए ये वाली भी एक जो कि दूसरी पाइप है, और ये किस तरह कनेक्शन होता है और ये कहाँ कनेक्शन करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। ये जो एक्सेल फैन देखिए, ये जब रोटेट करता है ये जो हवा को बाहर के साइड, यानी कि इस साइड ये फेंकता है, और ये जो रेडिएटर है रेडिएटर को कूलिंग करने का काम करता है। और ये जो कंप्रेसर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ ये जो कंप्रेसर किस तरह टेस्टिंग करते हैं और इसका कनेक्शन किस तरह करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा देवेंद्र जी है जो कि ये कंपनी में इंजीनियर है और इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि हमारा हॉट एयर ओवन होता है, हॉट एयर ओवन किस तरह मैन्युफैक्चरिंग और किस तरह कनेक्शन करते हैं उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ और आई बटन में भी दे दूंगा, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल ओवन होता है किस तरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा देवेंद्र जी है और ये जो देखिए रेडिएटर में किस तरह फैन लगा रहे हैं, देखिए एक्सेल फैन जो होता है, एक्सेल फैन इस तरह रेडिएटर में फिट किया जाता है जो कि हमारे रेडिएटर को जो कि कूलिंग का काम करता है, जो कि हमारा फैन जो होता है ये रेडिएटर को ठंडा रखता है, जो कि कंप्रेसर गैस जो है ये रेडिएटर में जो कि स्प्रेड करता है और उसको कूल करने का काम ये जो हमारा एक्सेल फैन करता है। और ये जो फैन देखिए फ्रेंड्स, ये जो फैन यहाँ पर फिट होता है और ये किस तरह फिट होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि हमारे रेडिएटर में एक फैन लगा होता है और ये जो साइड देखिए फ्रेंड्स, जो साइड मैंने अभी दिखा रहा था दो फैन एक्सेल फैन लगा होता है और किस तरह फैन लगाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह देखिए रेडिएटर में जो कि एक्सेल फैन फिट किया जाता है और देखिए ऑलरेडी इसके साथ जो कि ऑलरेडी एक फैन जो है फिट किया हुआ है और ये कंप्रेसर भी मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा, कंप्रेसर किस तरह टेस्टिंग करते हैं मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि कंप्रेसर और जो कि रेडिएटर है किस तरह काम करता है इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा दो रेडिएटर देखिए जो कि हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और देखिए रेडिएटर में मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो ऊपर साइड जो है और ये नीचे साइड देखिए, और नीचे की साइड में देखिए जो पाइप जो जा रहा है, देखिए ये जो ऊपर के साइड में देखिए जो हमारा कंप्रेसर के देखिए, ये कंप्रेसर में बीच वाली पॉइंट जो है यहाँ से कनेक्ट कर रखे हैं और ये जो दो पाइप की लाइन जो है, ये पाइप जो है किस तरह कनेक्शन होता है और कहाँ कनेक्शन होता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए रेडिएटर में जो कि डाउन वाला जो साइड है देखिए, और यहाँ पर देखिए जो कि कैपिलरी ट्यूब देखिए, जो कि देखिए स्प्रिंग की तरह ये जो आप देख रहे हो ये कैपिलरी ट्यूब है और ये कैपिलरी ट्यूब कहाँ कनेक्शन होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो एक्सेल फैन देखिए, ये एक्सेल फैन रोटेट करके जैसे ही मैंने आपको बता रहा था, ये जो बाहर के साइड हवा छोड़ता है जो कि हमारा रेडिएटर को कूल करने का काम करता है, यानी कि ठंडा करने का काम करता है। और चलिए फ्रेंड्स, अभी और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा दो रेडिएटर देखिए, दो रेडिएटर और दो कंप्रेसर ऑलरेडी इसके साथ असेंबली हो चुका है
और ये मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो कि हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में कैपेसिटर भी लगाते हैं। देखिए दो कंप्रेसर के लिए दो कैपेसिटर यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसके साथ भी देखिए ओवरलोड रिले भी इसके साथ लगा हुआ है। देखिए जो भी हमारा मोटर यानी कि कंप्रेसर जो भी हमारा ट्रिप करेगा यानी कि ओवरलोड होगा, ये जो रिले ट्रिप करेगा। और देखिए इसके साथ जो कि न्यूट्रल कनेक्शन हो रहा है, और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह हमारा जो कि फैन की कनेक्शन होता है, और इसी तरह जो कि हमारा कंप्रेसर की भी कनेक्शन होता है, कंप्रेसर कनेक्शन भी मैं आपको बताऊँगा। और कंप्रेसर में तीन पॉइंट होता है, यानी कि जो कि दो पॉइंट जो है नीचे होता है और तीसरी वाली पॉइंट जो है ऊपर होता है, और किस तरह कनेक्शन करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो कंप्रेसर का पॉइंट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीन पॉइंट जो है, ऊपर वाली जो पॉइंट जो कि हमारा कॉमन होता है इसमें फेज लगाते हैं, या फिर आप जो कि नीचे वाले जो पॉइंट है ये हमारा दो पॉइंट जो कि कैपेसिटर की दो पॉइंट लगाते हैं, और कैपेसिटर की एक पॉइंट में फेज या फिर न्यूट्रल लगा सकते हो, या फिर कंप्रेसर के ऊपर वाले पॉइंट में आप फेज या फिर न्यूट्रल लगा सकते हो। और देखिए ये जो दो पाइप जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, दो पाइप देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक पाइप जो है गैस भरने के लिए रखा जाता है, और दूसरी पाइप जो है देखिए यहाँ पर जो कि दो पाइप आप देख रहे हो ये दो पाइप के साथ लगा होता है, और तीसरी वाली जो पाइप है यानी कि सेकेंड वाली जो पाइप है वो कहाँ लगाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जैसे मैंने आपको बता रहा था यहाँ पर जो कि दो तार है इसमें हीटर एक लगाता है, और हीटर भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और देखिए सीट में दो एक्सल फैन फिट किया जा रहा है, और सीट लेके कहाँ लगाते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। और इनके बारे में आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा विष्णु जी है जो कि ये कंपनी में इंजीनियर है, और ये विष्णु जी को कूलिंग सिस्टम में बहुत नॉलेज है, यानी कि मास्टर है, यानी कि जो कि हमारा कंप्रेसर और रेडिएटर जो होता है ये इंस्टॉलेशन करने में ये मास्टर है। और चलिए फ्रेंड्स मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। देखिए ये जो दो एक्सल फैन देखिए ये जो हमारा विष्णु जी है किस तरह फिट कर रहे हैं, और ये जो सीट लेके कहाँ लगाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा इंक्यूबेटर है यानी कि बीओडी इंक्यूबेटर में देखिए ये पोर्शन में लगाया जाता है, यानी कि रेड वाला वायर जो देख रहे हो ये रेड वाला वायर में ये लगाते हैं। देखिए ये जो हीटर देखिए जो तार में आपको दिखा रहा था, ये जो हीटर को देखिए ये दो तार में लगा दिया गया है, और ये जो तीन तार आप देख रहे हो यानी कि ये दो जो कि फैन जो है फैन की जो कि दो फेज, और ये जो ब्लैक वाला जो है ये न्यूट्रल जो कि हमारा जो फैन में दिखा रहा था यानी कि एक्सल फैन के साथ ये लगाया जाएगा, यानी कि कनेक्शन होगा। देखिए ये जो हमारा एक्सल फैन है, एक्सल फैन में जो कि चार पॉइंट होता है यानी कि चार तार होता है, यानी कि दो तार को जॉइंट करके न्यूट्रल बना दिया जाता है, और जो कि ये फैन में एक तार और दूसरी फैन में जो कि एक तार जो है ये दो तार जाके जो तार में आपको दिखा रहा था रेड वाली तार के साथ ये लगाते हैं। और देखिए ये जो कंप्रेसर देखिए ये किस तरह कंप्रेसर ये जो हमारा ब्यूटी इंक्यूबेटर में देखिए किस तरह फिट किया जा रहा है, यानी कि किस तरह लगाया जा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। देखिए और देखिए फ्रेंड्स ये जो बीओडी इंक्यूबेटर में इसी तरह जो कि हमारा कंप्रेसर और रेडिएटर जो होता है ये नीचे की साइड में इसी तरह फिट करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सही से, ये फिट करने के बाद इसका कनेक्शन भी किस तरह होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स ये जो दो तार आप देख रहे हो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कंप्रेसर की दो तार है, देखिए रेड एक जो ब्लैक कलर की वायर है, और मैं आपको बता देना चाहूँगा कंप्रेसर की कनेक्शन किस तरह करते हैं और टेस्टिंग करते हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। और देखिए फ्रेंड्स ये जो दो तार जो है कंप्रेसर को सप्लाई देते हैं पावर सप्लाई, और ये जो पाइप जो है एक पाइप लेके ये जो हमारा ये कंप्रेसर देखिए ये कंप्रेसर के इसी पॉइंट में लगाया जाता है, और ये जो पॉइंट जो है ये कंप्रेसर में गैस भरने के लिए पॉइंट है। और दूसरी वाली तार देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरी वाली जो पाइप है कॉपर की पाइप मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है मैं सही से दिखा देता हूँ। देखिए मैं दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कैपिलरी ट्यूब देखिए ये जो कैपिलरी ट्यूब और देखिए यहाँ से जो कि पाइप गया है ये हमारा जो कि कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिलरी ट्यूब देखिए जो हमारा यहाँ से होते हुए देखिए ये देखिए ये जो होते हुए देखिए जो दो पाइप है दो पाइप की एक पाइप के साथ इसमें लगा हुआ है। देखिए इसमें करके वेल्डिंग से इसे प्रॉपरली किया गया है यानी कि ब्रिजिंग किया हुआ है। और दूसरी वाली ये जो पॉइंट है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो पॉइंट है देखिए किस तरह वेल्डिंग किया गया है, और ये जो पॉइंट देखिए ये जो पॉइंट को लेके ये जो हमारा कंप्रेसर जो है इसी पॉइंट पे लगाया जाता है, देखिए इसी पॉइंट में लगाया जाता है। और ये जो पॉइंट जो आप देख रहे हो ये कंप्रेसर में गैस भरने के लिए जो पॉइंट है, और इसमें एक जो कि पंचिंग टाइप का दिया हुआ है, चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए ये पुश करने के लिए जैसे साइकिल में हवा भरने के लिए जिस तरह पिन होता है इसमें एक पिन दिया गया है जो कि गैस भरने के लिए देखिए इस तरह इसमें पिन लगाया गया है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स जो कि हमारे बीओडी इंक्यूबेटर में इसी तरह जो कि कंप्रेसर रेडिएटर फिट किया जाता है। और चलिए फ्रेंड्स जो कि मैंने आपको फैन के बारे में बता रहा था, फैन भी किस तरह कनेक्शन करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये चैम्बर खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए जो हमारा दो एक्सेल फैन है, देखिए हीटर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये जो हमारा दो एक्सेल फैन इसके साथ लगा हुआ है, ओके। और देखिए दो एक्सेल फैन की जो कि तार जो है, ये जो तार के साथ कनेक्शन करके ये जो सीट को इसी तरह कवर किया जाता है। फ्रेंड्स इसी तरह मेरा चैनल पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, और कुछ वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोगों को लिंक ऊपर क्लिक करके उस वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।